हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्लास 4, सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर है जी आपका 90, पेज नंबर 151। ओके स्टूडेंट, सभी पेज नंबर 151 ओपन करेंगे, ठीक है जी। और टॉपिक है आपका पेरीमीटर। ओके स्टूडेंट, आज हम आपको पेरीमीटर के बारे में समझाएंगे। इसमें एंड एरिया भी है, एरिया हम आपके साथ बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज हम आपके साथ में पेरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें यही समझना होगा कि पेरीमीटर क्या होता है ना। जब हमें ये पता चल जाएगा तो हम क्वेश्चनों को आसानी से निकाल सकेंगे, ठीक है। पेरीमीटर दो शब्दों से मिलकर बनता है, पेरी प्लस मीटर। पेरी का मतलब होता है चारों ओर, जो भी चारों ओर का चारों ओर होता है वो पेरी का मतलब होता है। मीटर एक लेंथ यानी कि नापने की यूनिट है। ओके, पेरीमीटर को हिंदी में कहते हैं परिमाप। ओके स्टूडेंट, क्या कहते हैं? परिमाप। परिमाने अभी हमने आपको बताया चारों ओर का, माप माने मापना यानी कि जो उसकी लेंथ है यानी कि चारों ओर की लंबाई, किसी भी चीज के चारों ओर की लंबाई अगर हम पता कर लेते हैं तो स्टूडेंट वही परिमाप कहलाता है। मान लीजिए आपके पास कोई फिगर है, ये फिगर है मान लीजिए आपके पास, है ना। तो आप इसे इसके लेंथ यहां से यहां तक नाप ले, यहां से वैल्यू नाप ले, तो ये चारों ओर की जो बाउंड्री है इसकी, ये बाउंड्री है ना। तो ये जो बाउंड्री होती है इसे चारों ओर से नाप लेना ही परिमाप कहलाता है यानी कि पेरीमीटर कहलाता है। ओके स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन भी है पेरीमीटर की। पेरीमीटर मीन्स डेप्थ, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए क्लोज फिगर। ओके स्टूडेंट, जो भी हमारी क्लोज फिगर है और जो इसकी बाउंड्री है ना, इसकी टोटल लेंथ यानी कि पूरी लंबाई चारों ओर की, तो यही हमारा पेरीमीटर कहलाता है। तो स्टूडेंट हम शुरुआत से ही लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझ के चलेंगे, है ना, मूल सिद्धांत से ही चलना चाहिए। तो जैसे कि अगर आप, आपके पास कोई टेबल है, मेज है घर पे, है ना, तो या कोई और चीज है, चारपाई है, तो अगर उसके चारों ओर जैसे मान लीजिए आपका टेबल है आपके पास, आप एक धागा लीजिए और यहां से शुरू कीजिए यहां से, और उसे ऐसे बराबर में लगाते हुए इसके ऐसे, और उस धागे को ऐसे कर लीजिए और यहीं पे आके छोड़ दीजिए जहां से आपने शुरुआत की। तो स्टूडेंट जब उस धागे को हटाओगे तो वो इसका परिमाप है, पेरीमीटर है, जितनी लेंथ उस धागे की होगी। ओके स्टूडेंट, तो परिमाप का मतलब क्या होता है? चारों ओर की लंबाई, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर का मतलब होता है चारों ओर की लंबाई। लेकिन हम इसे थोड़ा आसान बनाने के लिए तो इसे अलग अलग तरीकों से फाइंड करते हैं, है ना। जैसे ये क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में जो लेंथ होती है वो अपोजिट लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है, ये इसके इक्वल होगी और ये इसके इक्वल होगी। ओके स्टूडेंट, तो इसके लिए हमने बार बार इतनी बार प्लस करेंगे तो उसके लिए अलग फॉर्मूले बना लिया, जो स्क्वायर होता है जिसकी चारों इक्वल होती है, भाई ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है ना। तो इसके लिए अलग फॉर्मूला बना लिया, है ना। तो स्टूडेंट अगर कोई और डिजिट है, ऐसे है, ऐसे 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 ऐसे, कैसे भी हो। ओके स्टूडेंट, तो इन सब की लंबाई, जैसे इसकी दो है, इसकी तीन है, इसकी चार है, इसकी पांच है, इसकी छह है, या इसकी तीन है और इसकी दो है। तो स्टूडेंट पेरीमीटर क्या है, यानी कि ये लंबाई, ये लंबाई, ये अरे वाली, ये वाली, अरे वाली, अरे वाली, जहां से स्टार्ट करते हैं वही तक इन सबको जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर निकल आएगा, है ना।
तो ये होता है लेकिन बाउंड्री पे ही, बिल्कुल जो सीमा है इसकी लास्ट की, इस पे ही इसे ही नापते हैं, जो क्लोज फिंगर होती है जो इसके चारों की बाउंड्री है तो उसे ही हम उसका परिमाप कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो परिमाप का मतलब क्या होगा, टोटल ऑफ ऑल साइड। तो स्टूडेंट देखिए ये सब ऑल साइड की है ना, तो हमने क्या करा, इन सबका टोटल कर लिया, जो आंसर आया वही हमारा पेरीमीटर है ना। तो किसी का भी आपको पेरीमीटर निकालना, तो आप क्या करेंगे उसके चारों ओर की लंबाई को नाप लेंगे, वो इसका पेरीमीटर होगा, चाहे वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, हेक्सागोन है, पेंटागोन है, कोई भी फिगर है स्टूडेंट, वे सब इसी प्रकार आप उनका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए आपको रेक्टेंगल का फॉर्मूला वो निकालना पेरीमीटर, और आप उसका फॉर्मूला भूल गए है ना, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट उसका ज्ञात है, पहले से पता है भाई मूल सिद्धांत क्या है, क्या मतलब है कि भाई चारों को, चारों की लंबाई को जोड़ दो है ना, यही है ना टोटल ऑफ ऑल साइड। तो आप उसे ऐसे कर लेंगे, जैसे हमने अभी आपको बताता धागे से निकाल के देख लो, वो जो धागा है आप यहां से यहां तक चले तो जो धागे की लंबाई है उसे आप फिर आप स्केल के द्वारा मेजर कर सकते हैं है ना स्टूडेंट, तो उसका परिमाप होगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा ये। चलो अब आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर वन, पेरीमीटर फाइंड द पेरीमीटर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर वन है और टू है या थ्री है ना, इनमें हम जो फॉर्मूले हैं उनका प्रयोग नहीं कर रहे है ना, जो सिंपल जो डेफिनेशन है उसी के अनुसार हम इन क्वेश्चनों को करेंगे ठीक है जी। यानी कि टोटल हो ऑल साइड, यानी कि सभी का जो भी बाउंड्री है हमारे पास जितनी उनकी लेंथ होगी, तो उन सबको जितने भी लाइन सेगमेंट है हमारे पास उन सबका टोटल कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट जैसे ये क्वेश्चन नंबर वन है ना, मान लीजिए ये ओके, ये क्या है, एक ट्रायंगल है स्टूडेंट है ना, तो आपको क्या करना है, इसकी ये 3 सेंटीमीटर है, बुक में ऐसा दिया हुआ है कि ये 3 सेंटीमीटर है ओके स्टूडेंट, और ये 4 सेंटीमीटर है, और स्टूडेंट ये 5 सेंटीमीटर ठीक है। तो आपको यहां से दिया हुआ है कि भाई आप इसका आंसर लिखें है ना, तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, टोटल ऑफ ऑल साइड बता था ये इसे यहां से लिख लेंगे, यहां से चलो इसे नाप ले, ये 5 हो गए है भाई, अब ये बाउंड्री कितनी है इसकी, यहां से आता ये 4 है, 5 और 4 9, अब यहां से आती कितनी है जी 3, और जी कितनी स्टूडेंट कितना हो गया 9 3 12 ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, जो भी यूनिट की होगी सो आपको यहां लिखनी होती है ओके स्टूडेंट। तो आप क्या करेंगे, देखिए पहले क्या लिख रहा है 5, तो आप यहां 5 लिखिए प्लस 4 प्लस 3, इसमें 3 लाइन सेगमेंट है, 3 लाइन सेगमेंट के द्वारा ये ट्रायंगल बनता है स्टूडेंट, 1 2 3, तो हमने तीनों को लिख के प्लस करना है ना, तो जी 9 12 सेंटीमीटर ओके स्टूडेंट। तो इस तरह आपको ये निकाल लेना है, कोई भी फिगर हो तो आप उसकी जितनी भी उसमें लाइन सेगमेंट होंगे उन सबको प्लस करेंगे ठीक है ना, ये इसका कॉन्सेप्ट है, मूल सिद्धांत इसका यही है।
हमेशा याद रखें, अगर ये बात आपको याद रही तो पेरीमीटर कभी भी आपको हार्ड नहीं लग सकता। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं बी। ठीक है जी, एक लाइन ये है और एक ये है ना, और ये लाइन यहां से ऐसे हो गई, कुछ इस आकार की है। ठीक है जी, तो किस प्रकार की है कुछ ये, है ना। तो ये तो हो गया हमारी 20 मीटर, ये है जी स्टूडेंट हमारी 20 मीटर, और ये ऊपरली 10 और ये 12 और ये वाली है हमारी 50। ठीक है जी, ये हमारी 15 हो गई और ये हो गई जी हमारे 8 मीटर। ओके स्टूडेंट, तो क्या पता है भाई आपको क्या करना है, ये लाइन इन सब लाइन को प्लस करना है तो हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा यानी कि परिमाण। ओके स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, इन सब को यहां पे लिख लेंगे और प्लस कर देंगे, 30 प्लस 50 प्लस 12 प्लस 10 और प्लस 20। ओके स्टूडेंट, और ये लैंप आपको दी होगी तो आपको इन सबको जो भी लैंप दी हुई है उन सबको एक साथ लिख के प्लस करना है। देखो प्लस के सवाल है वो भी बहुत छोटे छोटे, है ना, छोटी छोटी डिजिट है जो आपको प्लस करनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट कर लेता है ताकि कोई मिस ना हो जाए। ओके स्टूडेंट, कभी कभी भूल से मिस हो जाता है। तो स्टूडेंट अब हम इन्हें क्या करेंगे, अब हम इन्हें प्लस कर लेंगे। ठीक है जी, प्लस करके आप आंसर लगा लिखेंगे, देखिए 0 0 0 हो गया, 1s वाली साइड को प्लस करेंगे पहले, और 2 और 5 7 हो गया, 7 और 0 7 ही रहेंगे, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे जी, गिरा उधर नहीं, तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे 7 लिख दिया। ठीक है, अब हम जो 10 प्लस पे डिजिट है उन्हें प्लस करेंगे, क्या है 2 3 4 5 5 और 3 8, तो स्टूडेंट क्या आ गया 87 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, कोई भी फिगर हो वे सब आप इस प्रकार से, कोई भी क्वेश्चन है ये इस प्रकार निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो अब है जी क्वेश्चन नंबर 2। तो पेरीमीटर आपसे निकालना आ गया, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, हेक्सागन हो, पेंटागन हो, सबके पेरीमीटर आप निकाल सकते हैं, है ना। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 जो बाकी बचे हैं उन्हें आप स्वयं भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने सी वाला क्वेश्चन छोड़ दिया, इसे आप खुद करिए, और इसमें हम आपको बी और सी दो क्वेश्चन करा लेंगे स्टूडेंट। ओके, बी देखिए जी, ये है आपको ये वाली लाइन फाइंड करनी है, इन्होंने दी नहीं
ओके स्टूडेंट, इन्होंने क्या दिया आपको, पेरीमीटर दे दिया, जो आप इसमें पेरीमीटर निकालने की आवश्यकता नहीं है। और स्टूडेंट आपको ये दे दिया कि भाई ये वाली साइड फाइंड करो या ये करो या करो, कोई भी एक साइड फाइंड करवा रहा है। ओके स्टूडेंट, आपको इसे निकालना है। जब आपको पेरीमीटर दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका पेरीमीटर ही निकाल लेंगे, यानी कि जो बची हुई लाइन है ना, उनका उन्हें आप प्लस कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, और जो पेरीमीटर दिया उसे उसमें से माइनस कर देंगे तो आपकी जो लाइन है इसकी जो लेंथ है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इन्होंने नीचे लिखा है पेरीमीटर इक्वल टू कितना है जी, 200 मीटर है, 200 मीटर है। ओके स्टूडेंट, ये पेरीमीटर इन्होंने दे दिया, आपको इन्हें प्लस करके निकालने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये लाइन फाइंड करनी है ऊपर वाली। तो स्टूडेंट, तो ये कितनी है, ये हमारी 50 है, ये हमारी 50 मीटर है स्टूडेंट, ये हमारी 30 है और ये हमारी कितनी है जी, 35 और ये क्या जी, हमारी 40, ये हमारी 40 मीटर होगी स्टूडेंट। अगर हमें पेरीमीटर निकालना होता हम सबको प्लस करते हैं, लेकिन हम निकाल नहीं सकते क्योंकि ये लाइन हमें पता नहीं है, है ना, तो हमें इसे फाइंड करना है स्टूडेंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इन सबको प्लस कर लेंगे, है ना, इन सबको प्लस करके 200 में से माइनस कर देंगे तो ये लाइन आ जाएगी, क्योंकि इसकी इसकी जो लेंथ है वो सीमित तो है ना। अगर ये लेंथ है, ये हमने टोटल करके निकाल ली इसमें से, तो इसकी वाली बच जाएगी। ओके, तो स्टूडेंट करेंगे 40 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 35, ठीक है जी। अब वंस पे वंस वाली डिजिट को प्लस करेंगे, 5005 ही रहेगा। ओके स्टूडेंट, अब इन प्लस करेंगे, जो टेंस प्लेस पे है 3 3 6 6 और 5 11 11 और 4 50 155 आएगा। ओके स्टूडेंट, क्या है, मीटर। तो अब स्टूडेंट इसी में ही है इस इन सबकी, तो हमने इन तीनों को निकाल दिया इसमें से, 155 आ गया है ना, इसको 100 में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा। तो कर लीजिए, तो यहां लिखेंगे 200 माइनस 155। अगर स्टूडेंट आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसे माइनस नहीं कर सकते तो आप इन्हें ऊपर नीचे रख के भी माइनस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, यहाँ 10 10 5 5 और जी यहाँ कितने रह जाएंगे, 9 9 5 4। अब यहाँ पे 1 रहेगा, 1 में से 0। तो स्टूडेंट इसका आंसर आ गया 45 मीटर। ओके स्टूडेंट, तो इसी प्रकार आप इसका जो क्वेश्चन ए है और सी है इन्हें आप अपना आप कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज अभी इतना ही करा रहे हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी वरना ही, तो 3 और 4 कल कराएंगे। ओके स्टूडेंट, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा कॉल मैसेज करके समझ सकते हैं, आप इसकी डेफिनेशन याद करें और जो भी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है उनकी आप उनका पेरीमीटर आप निकाल के देख लें, धागे की सहायता से निकाल के देख लें एक बार भाई, एक जैसे टेबल है उसकी चारों ओर धागा घुमा के उसे नाप लें स्केल के द्वारा, और या फिर उसे स्केल के द्वारा जो उसकी बाउंड्री है उसे नापिए चारों तरफ से, और जो चारों लाइन सेगमेंट आएंगे ना उन्हें प्लस करके देख लीजिए, है ना। तो इस तरह आपको पता चलेगा कि भाई चाहे हम धागे से निकाल रहे हैं चाहे ऐसे मैसर करके प्लस कर रहे हैं, तो दोनों का जो आंसर है वो इक्वल ही आएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।